ये चेक करें आप, ये देखें ये होती है सर, ये अंदरून लोअर है हमारा फेमस इस चीज के लिए। ठीक, अच्छा मुझे बताएं कि इसके अंदर लाल बोटी है, सफेद बोटी है, मिक्की है, सब कुछ है इसमें। सही है, सारे फ्लेवर्स में ऐड किए हैं। ये कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं करती ज्यादा? कुछ भी नहीं, हम लोहरी है, हम पत्थर हजम, लकड़ हजम, हमें वो होते कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। व्यूअर्स, मैं इस टाइम हीरा मंडी चौक में मौजूद हूँ, फजे पाए वाले से थोड़ा सा आप आगे हैं तो यहाँ आसफ बोंग वाले की दुकान है। व्यूअर्स आइए आपको यहाँ का विजिट करवाते हैं। व्यूअर्स आपको इस तरह का सालन पूरे लाहौर में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जब आप इसका पहला नुआला लगाएंगे तो आपको इसका टेस्ट बताएगा कि यार ये कितना टेस्टी सालन है। तो आइए आपको इनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपकी दुकान? मेरा मोहम्मद आसफ, आसफ बोंग का इसमें मशहूर है मेरा। कितना सा हो गया आपको इधर से? माशाल्लाह हो गया 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। ये अभी लाल बोटी, फिर आप देख सकते हैं कि ये लाल बोटी है, प्योर लाल बोटी है। ठीक है, जिसको लाल बोटी बोलते हैं। इसकी क्या कीमत होती है अगर ये प्याले का हिसाब होता हमारा? कितने कितने का प्याला आपका? प्याला 1000 वाला भी है, 500 वाला भी है, जितने का बोले। मतलब स्पेशल पाए का बोटी, ये पूरा एक पाव है, पूरा एक पाया है। ये छोटी कैंडी के होते हैं? हाँ जी, ये बच्चे के होते हैं जिसको बोलते हैं। इसकी क्या कीमत है? ये प्याले का हिसाब है साहब। वैसे ये पूरा कितने का होगा? पूरा 1500 का, 2000 का भी निकला था, बदन का हिसाब होता है ना। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी चीज होती है? इसके अलावा होती है हमारे मछली की बोटी। मछली की बोटी ये तो माशाल्लाह बहुत लोग लाइक करते हैं। हाँ जी, ये ज्यादा लाइक। इसको उठाइएगा जरा, आप देख सकते हैं कि इसमें फुल गला हुआ है गोश्त, फुल लाल बोटी काट। ये होती है दानेदार बोटी, ये दानेदार बोटी, ये लाल अंदर से बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल लाल है। ठीक, ये मछली की बोटी है, ये दानेदार। ये कोई मांगे तो फिर आप उसको देते हैं? हाँ जो मांगे, जैसे मांगे मैं कर देता हूँ। सही है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मुझे भट साहब मिल गए हैं, जो कि ये देखिए आप चमची के अंदर मिक रख के खा रहे हैं। ये देखें, क्या बात, चेक करें जरा इसको खा के। सर ये चेक करें आप, ये देखें ये होती है सर, ये अंदरून लोअर है हमारा फेमस इस चीज के लिए। ठीक ठीक, क्या बात। ये तो भट साहब आप मुझे, तुम मैंने दसो कि ये जो है आप खा रहे हैं साथ, आप लस्सी पी रहे हैं साथ, बोतल पी रहे हैं, इसका क्या कॉम्बिनेशन है साथ? सर ये कॉम्बिनेशन बहुत मजे का है, क्योंकि जरूरत है आज की, और ये हमारा चल रहा है पिछला कदीमी, जो लस्सी जो है साथ पीते रहते हैं ताकि ठंड पहुंचे, और ये हम आज की जनरेशन है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि भट साहब के प्याले के अंदर ये मिक है, उसके बाद ये वाइट बोटी का पाया है, ठीक है, उसके बाद ये लाल बोटी है, ये लस्सी है, और ये पेप्सी की बोतल है। तो असल जो रमज़ान इंजॉय कर रहे हैं वो ये भट साहब कर रहे हैं। भट साहब मुझे ये बताएं कि खाने के बाद बंदा कार्डियोलॉजी भी पहुंच जाता है अक्सर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है उसके? तुम मैंने होने ना पहुंचा देना ये तक तो खैर है। अच्छा, आज तो बात पता नहीं उसकी खैर है, सर चीज़ों की उसकी खैर है अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, ये जरा चमची के साथ मलाई तो खा के दिखाएं ऊपर से आप, ये किस तरह खाएंगे आप? पहले आप ये खाएंगे फिर ये, फिर ये देखिए नान आएगा, नान के साथ इसको खाएंगे, मिक्स के साथ जो है वो लाल बोटी का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। एक एक सिप लगा के खाएं तीनों चीजों का। सर ये आप देख सकते हैं कि ये मिक्स भी आ रही है भट साहब के मुंह में, उसके बाद इन्होंने ये लस्सी आ गई है जी, लस्सी का एक सिप ले लिया भट साहब ने, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने पेप्सी बाद में खाना खत्म करके। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि इसके अंदर लाल बोटी है, सफेद बोटी है, मिक्की है, सब कुछ है इसमें। सही है, सारे फ्लेवर्स में ऐड किए हैं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं करती ज्यादा? कुछ भी नहीं, हम लोहरी है, हम पत्थर हजम, लकड़ हजम, हमें वो होते कुछ नहीं है, मतलब की मेहरबानी। सही है, तो आपने जो 30 रोजे बाहर ही किए अपनी सारी सारी? मोस्टली हमने जो है ना बाहर ही किए सारे ओवरऑल। सही है, और खुद भी किया, फैमिली के लिए भी लेके जाते हैं। सही है, क्या कहते हैं आसिफ बोंग पाए वाले के बारे में? ये तो ग्रेट आदमी है, ये बेसिकली जितने इस इलाके में जो स्पेशल बंदा यही है। ये जी स्पेशल बड़ा प्याला जो हमारा 1000 वाला, ये पाए की बोटी है, ठीक है, ये मछली की बोटी आ गई साथ, ये वाले, ये इसके ऊपर ना मिक डालेंगे ये और स्पेशल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बना दिया हमने मछली की बोटी, पाए की बोटी, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, देख ले दोनों चीज़ें सॉफ्ट है, ये लाल है, ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश चीज़ें हमारे पास, ये देख लें आप, ये अभी शोरबा, जेन्युइन शोरबा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली हुई कि जो हो ऐसे को, 2 नंबर ही काम है ये एक नंबर काम है, देसी काम है ये खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ताकत ही आएगी और कुछ नहीं आएगा आपके पास। कहना है कि ये खाने से इंसान में ताकत भी आती है, उसके जोड़ों का दर्द दूर होता है, ये जो स्पोर्ट्समैन है, फास्ट बॉलिंग करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर, इनका कहना हमारे पास बहुत सारे पहलवान आते हैं जो ये खाते हैं। ये पहलवान आते हैं माशाल्लाह, वो आते थे हमारे बड़ों के पास, 11 पहलवान आता था, वो बोंग पाए खाते थे। क्या नाम है आपका? बशीर हैं। तो ये क्या खाने लगे हो? ये अभी मैंने बोंग खा लेना। बोंग खाने लगे हो? तो ये साल लस्सी भी हो गए? ये साल लस्सी भी होंगे। तो ये पीने के बाद अगर तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया तो फिर? ये कुछ नहीं था, अल्लाह की मेहरबानी से कुछ नहीं था,
पंजाबी बंदों को कुछ नहीं होता, पंजाबी लोगों को कुछ नहीं होता नहीं। तो साथ पान खा रहे हो, साथ बोंग खाओगे, साथ लस्सी पियोगे? नहीं, ये तो मेरा स्टाइल है, इसी यही स्टाइल है आपका। हाँ व्यूअर्स, इस टाइम आसिफ बोंग वाले पे मौजूद है जो हीरामंडी चौक में वाक़ है, जहाँ पर बहुत सारे भाई आए हुए हैं जो कि बोंग इंजॉय कर रहे हैं। सर कहाँ से आए आप? जी हम वाल्टन से, इतनी दूर से, और रास्ते में कोई नहीं मिला? और बहुत सारे मिले, लेकिन भाई का नाम सुना था यार। अच्छा। आपकी वीडियो देखी थी पहले भी हमने। अच्छा। आपके चैनल पे भाई का नाम सुना था, वहाँ से टेस्ट करने आए हैं। सही है, माशाल्लाह अच्छा है। कैसा टेस्ट है इसका? बोंग का टेस्ट अच्छा है बस। ठीक। हाँ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम आसिफ बोंग वाले पे मौजूद हूँ। आपको मैं आज बोंग खाने का तरीका बताने लगा। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये मिक है, इसके साथ ये सफेद बोटी लटक रही है, इसको आप दूसरे हाथ में रखे ऐसे मारना है तो ये मिक्खें बाहर आ गई सारी। ठीक है, ये सारी मिक्खें बाहर आ गई हैं। अब ये आप मेरा कुलचा चेक करें, ये हार्ट वाला कुलचा है, इसको आपने यहाँ से तोड़ा, ये दिल तोड़ा आपने, जिस तरह लड़कियों का दिल तोड़ते हैं उसी तरह से ये नान का दिल बना हुआ, ये तोड़ा। और उसके बाद सबसे पहले आपने ऐसे बुर्की खोलनी है, इसके अंदर आपने ऐसे उठा के मिक्खें रखनी है। ठीक है, ये मिक्खें उठा के आपने इसमें रखी, फिर आपने इसमें रखना लाल बोटी को ऐसे, ये लाल बोटी इसमें रखी आपने। ठीक है, उसके बाद आपने ये सफ़ेद बोटी है इसको यहाँ से तोड़ा, ये देखें ये सफ़ेद बोटी टूट गई, ये सफ़ेद बोटी टूट गई, ये आपने इसमें रख ली, मिक्खियाँ हो गई, लाल बोटी हो गई, सफ़ेद बोटी हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने ये इसका यहाँ से भरा आपने नवाला, ये नवाला भरा आपने शोरबे का, और ये गया मुँह में, ये नवाला लगाते हुए साथ ही ये आप देख सकते हैं ऊपर मलाई तैर रही है, ये मलाई थोड़ी सी आगे करके ये आपने लगाया गोट, ये है जिंदगी का मजा। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद था हीरा मंडी चौक में आसिफ बोंग वाले पे। व्यूअर्स, अगर आप भी ये सालन एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। जो रोजे हैं उसमें इनका टाइमिंग है शाम रात को 11 बजे से लेके तो सुबह 5 बजे तक, और उसके अलावा आम दिनों में सुबह 6 से 9 बजे तक इनका टाइम होता है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल मुसलमान पाकिस्तान। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, क्रिएटिविटी हो, या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अपने हौसले खान को जाए दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।